जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा सांभवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, कामना करता हूं कि 2018 आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप सभी की जॉब लग जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जितना हर्ष और उल्लास के साथ आपने अंग्रेजी नववर्ष को मनाया है, सेलिब्रेट किया है, उसी हर्ष और उल्लास के साथ हिंदू नववर्ष जो चैत्र के महीने में आता है, आप उसको भी इसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। तो दोस्तों ये 2018 का हमारे पहला वीडियो होगा और आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों हम फिर से आज नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे और पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, जिसको हिंदी बोलते हैं कागज का काटना, कागज का मोड़ना। तो दोस्तों मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग पढ़ने से पहले आप सबसे पहले मैंने जो मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाया है, आप उसको पहले देख लीजिए। वही कंसेप्ट लगेगा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग में, मिरर इमेज वाटर इमेज का कंसेप्ट लगेगा इसमें, तो आप उसको पहले देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम अपना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि तीन आकृति आपको दिख रही है कि एक पेज है, फिर उसको इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर दोबारा फोल्ड किया गया और तीन कट लगा दिए गए, तो उसका फिर आंसर किस तरह से होगा, मतलब खोलने के बाद उसको फिर से खोलने के बाद फिर कैसा दिखेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी हम पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग की बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसकी की पॉइंट्स क्या क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। हमेशा आपको क्या करना है, चित्र में दाएं से बाएं तरफ चलना है। दाएं से बाएं मतलब पहले ये वाला चित्र लीजिए, फिर ये वाला चित्र लीजिए, फिर ये वाला चित्र लीजिए। अरे बात समझे, हमेशा जो दाएं तरफ होगा सबसे लास्ट में पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाएं, फिर उसके बाद बाएं, फिर मतलब जो खुलने वाला होगा। अरे बात समझे, फिर सेकंड पॉइंट है कि तीर की पूंछ की तरफ मुड़ना है। कि तीर की पूंछ क्या है दोस्तों, ये तीर का मुहाना है, मुंह है, और ये तीर की क्या है, पूंछ है। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तीर की पूंछ की तरफ स्टार्ट करेंगे, तीर की पूंछ की तरफ आपको क्या करना है, मुड़ना है जब हल करेंगे। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फोल्डिंग लाइन पर, फोल्डिंग लाइन मतलब है जहां पे पेपर को फोल्ड किया गया, जैसे यहां पे, तो फोल्डिंग लाइन पर आपको हमेशा मिरर इमेज और वाटर इमेज की कल्पना करना है। आगे बात समझिए। चौथा पॉइंट है कि स्टार्ट में कहां से करना, तो दोस्तों हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो अंतिम चित्र से स्टार्ट करेंगे और उत्तर के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। जैसे इस डायग्राम में, इन फिगर्स में ये हमारी लास्ट आकृति है, तो हमको यहां से क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। जितनी बार फोल्ड होगा या खुलेगा उतनी बार हमें दो का गुणा करना है। जितनी बार ये फोल्ड हुआ होगा और जितनी बार ये मुड़ेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, टू का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो लगेंगे, यूज होंगे जब हम इनको हल करेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन, एक पेपर है इस तरह से दोस्तों, देखिए एक तीर लगा है, मतलब एक बार फोल्ड किया गया, तो जब इसको फोल्ड किया गया तो ये कुछ ऐसा दिखा, फिर दूसरा तीर लगा मतलब दोबारा फोल्ड किया गया, फिर दोस्तों इसमें क्या किया गया, तीन कट लगा दिया गया, और फिर बोल रहा कि इसको जब हम खोलेंगे तो इसकी आकृति कैसी होगी। तीन आपके पास क्या है, ऑप्शन। तो दोस्तों करना क्या है, ये है फोल्डिंग लाइन, ये क्या है, फोल्डिंग लाइन है, और उसमें देखिए लिखा कि तीर की पूंछ की तरफ क्या करना हमें, मुड़ना है। पहले तो आप ये देख लीजिए स्टार्ट कहां से करना है, अंतिम चित्र से। अंतिम चित्र हमारा ये वाला है, तो अंतिम चित्र को हम पकड़ लेंगे, यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि तीर की पूंछ की तरफ क्या करना है, मुड़ना है। अरे बात समझे, तो तीर की पूंछ की तरफ दोस्तों जब मुड़ेंगे तो आप ये देखिए यहां पास फोल्डिंग लाइन है, और जब भी दोस्तों वर्टिकल लाइन है तो आप समझ लीजिएगा कि मिरर इमेज बनेगी उसकी, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आप समझ लीजिएगा क्या बनेगी उसकी, वाटर इमेज बनेगी। तो यहां पर लाइन जो है कैसी है, वर्टिकल लाइन है, मतलब क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां पर वर्टिकल लाइन है, और आपको कल्पना करना है कि यहां पे क्या है, एक मिरर रखा है, तो यहां पे तीन कट है दोस्तों, तो मिरर इमेज क्या बनेगी। एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी चाहे मिरर इमेज हो या वाटर इमेज इमेज हो, मिरर के जितने पास ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही पास उसकी इमेज बनेगी, और मिरर के जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। अरे बात सुनिए, तो यहां पे फोल्डिंग लाइन है और आपको कल्पना करना है कि यहां पे मिरर रखा है। तो दोस्तों यहां पे तीन पॉइंट है, तो यहां पे इसका इस पार्ट का मिरर इमेज क्या बनेगा, तीनों बिंदु यहां पे बनेगा। देखिए ये चीज आगे समझ में, तीनों बिंदु यहां पे बनेगा, ठीक।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा कि चित्र में दाएं से बाएं चलना है। इतना कंप्लीट कर लिए, एक तीर को खोल लिए, एक बार मतलब दो बार फोल्ड किया गया था तो एक बार हमने उसको खोल दिया, एक बार और खोलना है क्योंकि ये तीर और लगा है। तो दोस्तों अब हमारे पास आकृति कुछ ऐसी है, हमने इतना खोल दिया और खोलना हमें इतना, आई बात समझे, तो एक बार खोल दिए दोबारा और खोलना है। तो दोस्तों जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा क्योंकि तीर ऐसे लगा है, तीर की पूंछ की तरफ चलना हमें, आई बात समझे। तो दोस्तों यहां पे अब हम मानेंगे कि यहां पे क्या है, अब ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हम मानेंगे कि यहां पे एक वाटर रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर रखा है, या कि यहां पे एक वाटर इमेज जैसा कुछ बनेगा, आई बात समझे। इस लाइन को हम मानेंगे बेस बनाते कि इसके इधर तरफ जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। दोस्तों ये बिंदु इतना दूर है तो इतना ही दूर यहां पास बनेगा, ये भी यहां पास बन जाएगा, ये भी यहां पास बन जाएगा, ये भी यहां पास बन जाएगा, और ये भी यहां पास बन जाएगा। दोस्तों इस तरह से कुछ हमारी ऐसी आकृति बनेगी, हमारी बात समझे। तो आप देख लीजिए चार आकृति है, चार ऑप्शन है, कौन सा मैच करता है। तो दोस्तों ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, कुछ ऐसा मैच करेगा तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितनी बार फोल्ड किया होगा उतनी बार हम टू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा आंसर है, लेकिन आप एक चीज और समझना, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो कितने कट हैं, तीन कट हैं, और फोल्ड कितनी बार करना है हमें, दो बार तीर लगा मतलब दो बार फोल्ड करना, कि जितनी बार फोल्ड करना है उतनी बार टू का मल्टीप्लाई। तो कितने कट हैं, तीन कट हैं, और बात समझे। तो जब एक बार फोल्ड किया गया तो टू का मल्टीप्लाई, तो कितने बनेंगे, ये सिक्स हो जाएंगे, ये सिक्स हो गया। फिर जब दोबारा मतलब खोलेंगे क्योंकि दो फोल्ड थे तो सिक्स का मल्टीप्लाई होगा टू से, कितने हो जाएंगे, ट्वेल्व। तो दोस्तों ये जो छह के छह हैं यहां बन जाएंगे, और बात समझे। दोस्तों अगर आपके इसमें जरा भी कंफ्यूजन है तो एक और तरीका है सॉल्व करने का, आप क्या करिए, आपको जो लूज शीट मिलती है पेपर टाइप की, तो क्या करना है आपको, देखिए एक पेज मिला है आपको इस तरह से, एक बार फोल्ड किया गया मतलब इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, देखिए में एक बार फोल्ड कर लिया गया, फिर दूसरा तीर लगा है तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया, में ये फोल्ड कर दिया गया, उसके बाद तीन कट लगा दिए गए हैं यहां पास, तो आप कट लगा देंगे ज्यादा ही कट हो गया। देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले यहां पे बनेगा, तो देखिए ये कुछ ऐसा बना था हमारा, ये देखिए तीन होल यहां पे है, तीन होल यहां पास है, एक दो तीन, एक दो और तीन। और दोस्तों जब हम दोबारा खोलेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो एक दो तीन, एक दो तीन, और यहां भी एक दो तीन, एक दो तीन। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमको इसमें कंफ्यूजन है तो हम पेपर से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये चार आकृति दी है, देखिए एक तीर लगा, दूसरी और तीसरी तीर, मतलब तीन तीर लगा है मतलब तीन बार फोल्ड किया गया होगा, और तीसरा फोल्ड करने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा बचेगा हमारा, मतलब ये केवल इतना बचा, एक पेज आपके पास कंप्लीट और फोल्ड करने के बाद बचा केवल इतना, जो डार्क क्वेश्चन मैंने किया है। और फिर क्या किया गया यहाँ पे, एक कट कर दिया गया, तो बोल रहा क्वेश्चन में कि इसको जब फिर से खोल देंगे हम तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, मतलब चार ऑप्शन है बताना आपको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फिर से क्या करना है, हमें हमेशा लास्ट चित्र पकड़ते हैं, लास्ट चित्र में हम क्या करते हैं कि तीर के पूंछ की तरफ क्या करते हैं, खोलना शुरू करते हैं, आई बात समझ में। तो देखिए जब हम तीर की पूंछ की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पे तीन तीर लगी है, मतलब हमें तीन बार क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदी है, तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि मल्टीप्लाई बाय टू कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तीन बार खुलेगा, कितनी बार खुलेगा, तीन बार खुलेगा, और एक में कितनी है, एक बिंदु है, तो वन इंटू क्या कर देंगे, टू कर देंगे, कितनी बिंदी हो गई, दो। फिर जब दोबारा खुलेगा तो ये हमारे पास दो है, फिर से टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार बिंदी हो जाएगी। फिर
फिर जब तीसरी बार खोलेंगे तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वीडियो। दोस्तों जब हम 3 बार खोलेंगे तो हमारे पास 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप चारों ऑप्शन देखिए तो 8 पॉइंट केवल इसमें है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कई बार हो सकता है कि इसमें भी 4 वीडियो ट्रस्ट दे दे, तब क्या करेंगे? तब ये मल्टीप्लाइड बाय 2 वाली जो 3 है ये काम नहीं करेगी, तब हमको वही पुरानी वाली ट्रिक से हम हल करेंगे इसको। क्या करेंगे कि लास्ट वाला चित्र लीजिए और तीर के पूंछ की तरफ चल रहा है, आगे बात सुनिए। तो जब हम तीर के पूंछ की तरफ पीछे चलेंगे तो देखिए यहां पास पॉइंट है और यहां पे हमें इमेजिन करना है वाटर इमेज का। तो दोस्तों ये वाटर इमेज वाली लाइन है तो ये जितनी डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस पे यहां पे क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। तो दोस्तों ये खुल गया एक बार, आगे बात समझ में आ रही। फिर हम यहां पे देखेंगे तो दोस्तों फिर ये खुलेगा तो ये वाला पोर्शन पूरा इधर खुलेगा, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। तो जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर के जो नजदीक होगा उतना नजदीक उसकी इमेज बनेगी, जो जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी दूर बनेगी। तो ये पॉइंट तो यही पास है तो ये यही पास बन जाएगा, आई बात समझे। और ये दूर है तो ये कहां पास बन जाएगा? यहां पास बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा बन गया, तो दोस्तों फिर ये जब तीसरी बार खुलेगा मतलब ऐसे जब ये तीसरी बार खुलेगा तो ये पूरा इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज इधर तरफ बन जाएगी, आई बात समझे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये तो यहां पास आ जाएंगे और ये पॉइंट इमेज मिरर के पास ही है तो ये यहां पास बन जाएगा और ये वाला पॉइंट भी मिरर के पास है तो ये यहां पास बन जाएगा। दोस्तों आप चारों ऑप्शन देख लीजिए तो कौन सा है जो इससे मैच करता है? तो दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको इसमें भी कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप क्या करिए, कागज ले लीजिएगा। देखिए एक वर्गाकार कागज है, एक बार मोड़ा गया उसको, और देखिए जब मोड़ रहे हैं तो ट्रायंगल जैसा कुछ बनना है, मतलब मोड़ा कैसे गया होगा? ऐसे नहीं मोड़ा गया है, आज बात सुनिए। कैसा मोड़ा गया होगा? ऐसे मोड़ा गया होगा जिससे क्या बने? एक ट्रायंगल बने। इस तरह से मोड़ लिख देखिए, ऐसे मोड़ लिया, फिर से बता रहा कि दोबारा मोड़ा गया। तो दोस्तों जब दोबारा मोड़ा जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनता है, आज बात समझ गए। फिर तीसरी तीर लगी है तो जब दोस्तों इसको दोबारा मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अरे बात समझ गए। तो जब तीसरी बार मोड़ देंगे फिर क्या करना है हमें? ये देखिए ऐसा है, यहां पास एक कट कर देना है। क्या कर देना है? कट कर देना, ठीक। तो जब कट कर देंगे देखिए देखिए ये दोस्तों मैंने क्या किया, ये कट कर दिया। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक बार खोला, ठीक। तो एक बार जब मैंने खोला तो आपको याद होगा कि यहां से एक यहां पर पास मैंने बनाया था। फिर जब दूसरी बार खोलूंगा तो यहां पास ये वाली जो चीज है यहां पास आ जाएगी ऐसे, और दोस्तों जब तीसरी बार खोलेंगे तो ये कंप्लीट इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट यहां पे हैं, 2 पॉइंट यहां पे हैं, 2 पॉइंट यहां पे हैं, मतलब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है कि 15 मिनट से ज्यादा हम वीडियो बना नहीं सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।